वेलकम टू लूज ग्रेवल दोस्तों। आज का ये छोटा सा व्लॉग अगेन थोड़ा सा बूट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरा फोर्ड एंडेवर का। एक्चुअली बहुत सारा सामान था और धीरे धीरे इसमें मतलब डिसऑर्गेनाइज हो गया था, तो आइए दिखाते हैं मैंने टूल्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया और बाकी की कुछ चीज़ें और कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपना पूरा बूट जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया है आज। एक्चुअली बहुत सारा सामान है जो मुझे रखना था और आई डोंट वांटेड टू कीप इट इन द बैग। तो ये अपना रिफ्लेक्टर, ये गाड़ी का सारा पाना, यहाँ पे ये पुराना वाला जो मेरा एंटीना था वो, और ये एक पूरा स्टैनली का पाना है जो आपका 6 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक का पाना ये पूरा है जो मैं यूज़ करता हूँ कभी काम के लिए। ये वाला जो पूरा पीस है ये पूरा हेक्स का पीस है, दिस वन इज़ हेक्स का एलन की है, तो वैसा टाइप का मैंने यूज़ किया है। ये फोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब जगह पे यूज़ होता है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा टायर गेज का मीटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक आरी है बेसिकली कुछ कट वट करने के लिए। यहाँ पे जो है ये बाकी का जो पाना है 24 नंबर तक का, 22 से मतलब 19 से लेके 23 तक का पाना इसके अंदर भी है। ये पूरा फ्यूज़ बॉक्स है जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्यूजेस हैं जो फोर्ड में यूज़ होते हैं। फोर्ड का माइक्रो टू टाइप फ्यूज़ है, वो बहुत ही अलग होता है। यहाँ पे डी शैकल रख दिया है, यहाँ पे एक छोटा एलन की का पाना रख दिया है, और ये वाला जो पाना है ये बेसिकली आपका यू नो दी व्हील खोलने के लिए जो यूज़ होता है वो पाना है। तो ये जो सारा मैंने यहाँ पे सेट किया है, ये सेट करने का रीज़न ये है कि ये वाला पीस जो है कभी जल्दी ज़रूरत पड़ता नहीं है, तो मैंने ये पीस मैं खोलूँगा नहीं करके इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसा ये बिल्कुल से सेट कर दिया है। और आप देखेंगे कि ये मैंने ये जो यहाँ पे जो स्ट्रैप है, ये दो यहाँ पे एक स्ट्रैप है और यहाँ पे एक स्ट्रैप है, ये मैंने ऑलरेडी फिट कर दिया है इसके अंदर। दिस इज़ बेसिकली फोर्ड का जो कार्गोनेट है वो लगाने के लिए करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया नहीं बट मैं आपको बता देता हूँ। ये एक नट है, ये एक नट है, खोलना पड़ता है, एक नट बीच में है यहाँ पर, ये खोलना पड़ता है। सिमिलरली एक नट यहाँ पे है, ये खोलना पड़ेगा, और एक नट यहाँ पे है, ये खोलना पड़ेगा। ये नट खोल के आपको जो ये वाला स्ट्रैप है ये लास्ट वाले नट पे दोनों जगह पे बिठा देना है। जैसे ही आप ये लास्ट वाले नट पे बिठा दोगे तो इससे ये स्ट्रैप बाहर आ जाएगा। ये स्ट्रैप को और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, इन दोनों में आपका जो पूरा कार्गो का नेट है वो बैठ जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, कार्गो का नेट दिस इज़ द नेट विच कम्स फ्रॉम फोर्ड। तो सो ये होता है नेट का पूरा पीस। तो ये वाला जो पीस है उसको आप यहाँ पे अटका सकते हैं इस जगह पे, यहाँ वाला जो ये जो पीस होता है इसका, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसका जो ये वाला पीस है इसको आप इसमें फिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हुक दिया हुआ है, इस हुक में आप इसको फिट कर सकते हैं। ये अगर आपने इधर फिट कर दिया तो बाकी आपको फिर कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपका जो है बाकी का एक्टिविटी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इनफैक्ट ये लगा दिया, इनफैक्ट मैं छोटा सा एक फोम का टुकड़ा भी लेके आया हूँ जिससे कि ये बाद में हिले डुले नहीं कुछ, तो इसको मैं जो भी जगह बच गया है उसको मैं फिल कर दूँगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कम्प्लीट काइंड ऑफ अ सेटअप, और एक बार ये हो गया तो मैं पीछे का पूरा बूट ऑर्गेनाइज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें मेरा ये कॉलमन का चेयर, ऊपर व्हील खोलने का टॉर्क रेंच, और बीएमसी का फिल्टर मैं अभी आज फिट करके लगा दूँगा, और भी बाकी सारा सामान है वो सब मैं अभी फिट करूँगा और फिर आपको बताता हूँ। सो दोस्तों ये फाइनली ऐसे फिट होता है। यहाँ पे ये जो आया था इसको यहाँ पे लग जाता है इसके हुक के साथ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हुक के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे लग जाता है, एंड दिस एक्चुअली कम्स लिटिल फर्दर ऐसा, तो ये आपका सामान को रोक के रखता है और आगे जाने नहीं देता है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली दी कार्गो नेट हैज़ टू बी फिटेड।
सो दोस्तों दिस इज़ हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज। अभी मेरा इसमें सामान थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज आई डू कैंपिंग एंड ऑल, तो इसमें आपको कॉलमन का चेयर्स, टेंट, मेरा बाकी का सामान पड़ा हुआ है, बट अदरवाइज आपको ये सब नहीं रहेगा। सो जस्ट वन बैग विच हैज़ गॉट द टूल्स एंड रेस्ट ऑफ द टूल्स आर हियर इनसाइड एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। दोस्तों ये मेरा टोइंग चेन है, मैं जनरली स्ट्रैप यूज़ नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब भी मैंने स्ट्रैप यूज़ किया था और गाड़ी टो करने के लिए मैं यूज़ कर रहा था, तो गाड़ी के व्हील के नीचे वो स्ट्रैप आके फट जाता था, बार बार कट जाता था। इसके लिए मैंने ये लोहे का चेन यूज़ किया है। एक्चुअली अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यू कैन सी, और इसके ऊपर मैंने साइकिल का ट्यूब लगा के रखा है। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल अगर गाड़ी कभी रास्ते में बंद हो जाए और आपको खींचना है। मे बी नॉट वेरी यूज़फुल एट द जब भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं, शायद तब के लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपको टो करके ऐसा 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लेके जाना हो, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो इसको मैं अभी इसके अंदर डालूंगा और डाल करके इसको मैं सीट के नीचे सेट करता हूँ। दोस्तों मैंने ये चेन को इसके इस सीट के नीचे एक्चुअली फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एकदम प्रॉपरली यहाँ पर पड़ा रहेगा बिकॉज दिस इज़ हेवी, ये बांधने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई विल कीप इट हियर सो दैट जब भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि शायद ही कभी ये ज़रूरत पड़ता है, अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से निकाल के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक टेलीस्कोपिक टेबल है जो मैं जनरली जब हम लोग कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं तो मैं ये लेके जाता हूँ। आइए आपको ये दिखाता हूँ और मैं इसको कैसे सिक्योर करता हूँ वो दिखाता हूँ। बिल इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो इसको ओपन करना बहुत इजी है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों ये जो दो आगे दिया हुआ है और ये जो दो पीछे छेद दिया हुआ है, इसको इन दोनों को आप लेके इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये एक्चुअली स्टूल जैसा बन जाता है, फिर इसमें आप बैठ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास अभी कोई दूसरा आदमी नहीं है आपको एक्चुअली ट्राईपॉड पे डाल के खींचने के लिए वीडियो, तो मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ दिस टेबल लुक्स लाइक, इज़ वेरी गुड व्हेन यू गो फॉर बीच और समथिंग एंड यू वांट टू डू कैंपिंग, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टूल स्टूल है ये वापस यहाँ पे अपनी जगह पे चला जाएगा। सो ये भी यहाँ पे सिक्योर हो जाता है एक्चुअली, सीट के नीचे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ईजीली ये सीट के नीचे रह सकता है। सो दोस्तों एक और छोटा सा काम, ये मैंने बीएमसी का फ़िल्टर लिया था, अभी ये फ़िल्टर आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल इट, और ये है वो डब्बा और ये इसका फ़िल्टर है। आपको पता है ये है इसका फ़िल्टर का बॉक्स जिसको ओपन करना पड़ेगा और इसके अंदर ये फ़िल्टर चला जाएगा। अभी मेरा थोड़ा जो इंजन का पूरा एरिया है थोड़ा गंदा है, इसके बाद मैं इसको प्रॉपरली क्लीन करूँगा, काफ़ी दिन से गाड़ी साफ़ नहीं हुई थी। इसके लिए एक छोटा आइटम मैंने यहाँ पे भी ये फिट कर दिया था, रैट यहाँ से भी बहुत बार अंदर घुस जाता है और एसी के डक्ट तक पहुँच जाता है या फिर फिल्टर तक पहुँच जाता है, तो वो भी मैंने यहाँ से एक छोटा सा लगा के ये लगा के बंद कर दिया था। ये साइड में मैंने सिर्फ मोड़ दिया है, कुछ किया नहीं है, तो ईज़िली ये सेट हो जाता है। तो फ़िल्टर चेंज करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल आइटम है, यहाँ पर ये क्लिप है, एक दो और ये तीन, तो ये क्लिप को ऐसा आपको धक्का देना है, ये क्लिप आपका खुल जाएगा, फिर ये डब्बा निकलता है। डब्बा निकलने के लिए ये वाला जो वायर है, ये वाला जो जो आपका कूलेंट का है, थोड़ा सा इसको आपको इधर ऐसा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको दबा के भी खोलेंगे तो शायद प्रेशर से वो कूलेंट बाहर आने का टेंशन होगा, तो इसको मत निकालिएगा, इसको ऐसे आप थोड़ा सा ऐसा करके आप ये निकाल लीजिए। ऐसा आप निकाल लेंगे तो ये आपको फ़िल्टर का एक्सेस मिल जाता है। फ़िल्टर का एक्सेस मिल गया, आप इसको फ़िल्टर को निकालिए। सो जो एक्चुअली दोस्तों ये जो फ़िल्टर है ये अभी कुछ एक 12-13 हज़ार किलोमीटर चला है, आप यहाँ से इसका एक्चुअली डिफरेंस देख सकते हैं कितना ये गंदा हो गया है। सो मैं एनीवे इस फ़िल्टर को अभी चेंज कर दूँगा। ये पीछे की तरफ से शायद इतना पीछे से भी काफ़ी गंदा हो गया है एक्चुअली, तो चेंज करना ही ज़्यादा बेटर है। सो एनीवे आई विल जस्ट चेंज इट। सो दोस्तों अगर आप ये देखेंगे बीएमसी का फ़िल्टर और अपना ओरिजिनल फ़िल्टर, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आई थिंक साइज़ का फ़र्क है, और
साइज़ बोले तो थिकनेस का फ़र्क है थोड़ा सा, आई थिंक दिस इज़ अबाउट 2 इंच, दिस इज़ अबाउट 1.5 इंच, और लुक वाइज तो दिस लुक्स मच मोर बेटर बिकॉज स्टील का वायर मेश वगैरह दिया हुआ है इसको, और साथ में ये रबर है, एक्चुअली रबर रेड कलर का है बट ये वीडियो में पता नहीं क्यों इस कलर का आ रहा है। दिस इज़ यू कैन सी बहुत इज़ मेड इन इटाली। हाँ दोस्तों, तो यू कैन सी दिस इज़ मेड इन इटाली। यू हैव टू बी व्हेनेवर यू आर बाइंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो है आपको ओरिजिनल मिल जाए, नहीं तो क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो अभी मैंने ये इसका ये बॉक्स ओपन कर दिया है, अभी खाली मैं ये अंदर, एक्चुअली क्लीन है बट आई विल प्रॉपरली क्लीन इट एंड आई विल ट्राई टू फिट इट इनसाइड, और फिर मैं थोड़ा इसका इंजन का एरिया वगैरह क्लीन करूँगा। तो दोस्तों, फ़िल्टर चेंज करने के टाइम पे खाली आपको ये ख्याल रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाता है इसका, सो दैट ये ग्रुप में वो बैठ जाता है। सो आइए इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। सो इसमें अब कुछ इशू नहीं है, इसको खाली अब मुझे ये ढक्कन बंद करना पड़ेगा। तो ढक्कन बंद करने के लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीन ये दिया हुआ है, इस चार दिया हुआ है, इसको आपको ऐसा इसके अंदर फिट होने के लिए करना पड़ेगा। ऐसा आपने कर दिया तो ये धीरे से उसके अंदर जाके ये फिट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइट फिट होगा ये बिकॉज इसमें रबर है, उसमें रबर नहीं था ओरिजिनल वाले में। तो आइए इसको फिट करते। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये तीनों क्लिप मैंने बिठा दिया है, टक करके आवाज़ आता है। इसको आप ऐसा खोलेंगे ना, ये ऐसा एक आवाज़ आएगा। ये आवाज़ आने का मतलब ये है कि ये प्रॉपरली फिट हो गया। तो अभी ये एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। अब मैं गाड़ी का इंजन भी क्लीन करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे सिर्फ इतना ही। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।